नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश और हम बात करेंगे सितंबर माह के तीसरे सप्ताह की। तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों, आपके परिवार और बड़ों से समय पर सहायता आपके जीवन में कुछ जटिलताओं को और अधिक आसानी से हल करने में आपकी मदद करेगी। आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ उपयोगी टिप्स और अनुभव साझा करने के मूड में हो सकते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज हटा देना मसा। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों या पेशेवर प्रतिस्पर्धियों को कम न आके आप में विश्वास और व्यावहारिक रहें, जबकि सुरक्षित रहने के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने भोजन के सेवन का विशेष ध्यान रखें ताकि जो आपका पाचन तंत्र है वो आपको तंग न करे। वृष राशि की बात कर लेते हैं। आपका घरेलू मोर्चा आपका निरंतर ध्यान आकर्षित कर सकता है। अपने घर में हो रही चीजों पर नजर रखने से आपको उन सभी जटिल मुद्दों को समझने में और सुलझाने में मदद मिलेगी। आपका सुखद मिजाज और मिलनसार स्वभाव इस सप्ताह निश्चित रूप से आपके जो पार्टनर है, आपका जो प्रियजन है, उसको खुश रखेगा। हालांकि आपका गुस्सा और जल्दबाजी आप दोनों के बीच के मामलों को खराब भी कर सकता है। इसलिए यदि आप अपने चल रहे रिश्तों को ऊंचा रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। काम पर आपका सूक्ष्म और बुद्धिमान दृष्टिकोण भी कुछ जटिल स्थितियों को आसानी से ठीक कर सकता है। एक संक्रमण या मामूली खांसी या सर्दी जुकाम आपके नियमित जीवन में बाधा डाल सकता है। इसका प्रभाव सीधे सीधे आपके काम पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही करने से बचें। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, ग्रह गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में कोई व्यक्ति तनाव में हो सकता है और उसे आपके समय और चिंता की आवश्यकता हो सकती है। आपकी बिना शर्त सहायता उसे वो गर्मजोशी और आराम दे सकती जो वो चाहता है, और साथ ही उसे अपने मुद्दों को हल करने में भी मदद मिल सकती है। अपने प्रिय से कोई सरप्राइज गिफ्ट आपके दिल और आपकी आत्मा को प्रसन्नता इस हफ्ते दे सकता है, लेकिन आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं को समान रूप से किसी न किसी तरह से उसे संतुष्ट करने के लिए पारंपरिक रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको अपने काम के मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का मौका भी इस सप्ताह मिल सकता है, जो आपके करियर ग्राफ या पेशेवर विकास को एक नया बढ़ावा दे सकता है। रोजाना व्यायाम करने से आपको अपना फिटनेस इंडेक्स बरकरार रखने में मदद मिलेगी और इससे आपके काम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों, आपको अपने घरेलू मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने परिवार के लोगों के अनुरूप जाने की आवश्यकता है। अपने परिजन के साथ आपसी सहमति से वहां कुछ सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में आपका जीवन साथी आपके प्यारे मूड का आनंद लेने के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो सकता है और आप एक साथ होने से गर्मजोशी महसूस करेंगे और ये आपके लिए भाग्यशाली बात है। आपके काम के मोर्चे पर स्थितियां सामान्य रूप से प्रभावित होती हुई दिख रही हैं कि आपको इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य किसी भी तरह से आपके काम में बाधा नहीं डालेगा। और अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। बुद्धिमान और व्यावहारिक बने और घटनाओं के प्रभाव से प्रभावित ना हो। कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी तथ्यों पर विचार विमर्श जरूर करें और पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने का योग बन रहा है, लेकिन जल्दबाजी में काम न करें। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बस अपना समय जरूर लें। हालांकि आपके पेशेवर मोर्चे पर आपको बंधे रखने के लिए कुछ अनपेक्षित कार्य आपके पास अचानक आ सकते हैं। सहकर्मियों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को सौंपने से संयुक्त लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में आपको मदद मिलने वाली है और आपके दिमाग को भी इससे आराम मिलेगा। योगा को आप अपने नित्य क्रिया में जरूर शामिल करें। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके परिवार के सदस्यों के साथ एक खुली चर्चा आपके घर पर जटिल मुद्दों को सुलझाने में आपके लिए एक बड़ी मदद होगी। आपके प्रेम के मोर्चे पर चीजें थोड़ी सुस्त हो सकती हैं और यह आपको थोड़ा बेचैन भी कर सकती है, लेकिन अपने आप को शांत रखना और समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ना आपके भले के लिए होगा। हम अपने कार्यस्थल पर आपको मल्टीटास्किंग करने से बचना होगा। खुद को उन्हीं कार्यों में शामिल करें जिन्हें आप आसानी से कर सकेंगे। अपनी सीमा से आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में।
प्रिय तुलाराशि के जातकों, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यह आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होगा जो आपको पूरे सप्ताह आसानी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका प्रिय अब आपके दिल में मौजूद स्नेह को प्रतिबिंबित करेगा और आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और आपसी समझ से अधिक प्रगाढ़ होने की उम्मीद है कि आपके रिश्ते आपके जो रिश्ते हैं उनमें और मजबूती आएगी। काम पर आपके संघर्ष और प्रयास आपको महान मौद्रिक लाभ के रूप में उचित पुरस्कार दिलाएंगे। धन का प्रभाव भी आपके दिल में एक नई खुशी ला सकता है, यानी कि आपकी जो मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस पूरे सप्ताह आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, आपका अंतर्ज्ञान आपके घरेलू मोर्चे पर सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए आपका सबसे बढ़िया मार्गदर्शक हो सकता है। हालांकि आपके आसपास की परिस्थितियां थोड़ी जटिल हो सकती हैं, लेकिन समय आपको सलाह देता है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी उपस्थिति और विवेक का सही उपयोग करें। जी हाँ, ध्यान दें कि आप कोई भी जो परिस्थितियां हैं उनको अगर सुधारना चाहते हैं तो आपको समय के साथ चलना होगा और आप निश्चित रूप से एक सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अपने व्यक्तिगत मामलों में बहुत से लोगों को शामिल करने से भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट रहें और केवल अपनी क्षमता पर भरोसा करें। नए रास्ते और अवसर आपके सामने नए सिरे से खुलने की संभावना है और आपकी खुशी के लिए कुछ नए लाभकारी अवसर सामने आ सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, इससे आपको उचित लाभ मिलेगा और आपका काम भी प्रभावित नहीं होगा। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। प्रिय धनुराशि के जातकों, जमीन जायदाद या संपत्ति खरीदने की आपकी जो योजनाएं हैं वो अमल में आ सकती है। आपके व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति आपके सभी प्रयास और संघर्ष अब मीठे फल देने लगेंगे। अपने आसपास के चालाक लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच बाधा उत्पन्न करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और अपने जीवन साथी के बीच आपसी विश्वास को बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करें। आपके काम के मोर्चे पर कुछ आकर्षक अवसर आपको लुभा सकते हैं, लेकिन समय आपको उनके साथ आगे बढ़ने से पहले उनकी व्यवहारिता की जाँच करने के लिए ज्ञान प्रदान कर सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप थोड़ा सा समय लें और उसके बारे में अच्छे से विचार करें। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लापरवाही आपके लिए महंगी पड़ सकती है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। व्यक्तिगत संबंधों में अंतराल को पाटने और अपने भावनात्मक बंधन को और मजबूत करने के लिए नए प्रयास करने का ये सबसे अच्छा समय हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ घनिष्ठ बातचीत आपको और सभी को आनंदित करने के लिए अच्छी भावना में रखेगी। इस सप्ताह प्रेम के मामले में लापरवाही बरतने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें और अपने दिमाग की उपस्थिति का उपयोग करें। जब भी जीवन आपको दुविधा में डाले और आपको लगे कि परेशानी बढ़ रही तो आपको तसल्ली से विचार करने की आवश्यकता है। आपका अच्छा आचरण और प्रभावी संचार कौशल आपके वरिष्ठों पर लंबे समय तक इसका प्रभाव छोड़ सकता है और वे आपको अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर सकते हैं। काम का दबाव अब आगे थोड़ा सा और बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान आपको अगर आप ध्यान से अपने काम पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी समस्याओं से पार निकल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सेहत की तो सेहत आपकी ठीक रहने वाली है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपको अपनों के साथ अधिक सुखद पलों का आनंद लेने का समय आ गया है, यानी कि सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है जो आपके दिल में एक नई खुशी लाएगा। आपका प्रियजन आपके चुंबकीय आकर्षण से प्रभावित हो सकता है और इसलिए आपके प्रेम संबंधों में जो है और अधिक रोमांच आ सकता है। अपने रोमांटिक रिश्ते में प्यार को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए आपको उनके साथ उनका ध्यान रखने की जरूरत है। चीजों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने के लिए आपको अपने काम के मोर्चे पर स्थितियों पर नजर रखने की भी आवश्यकता है। काम के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ सख्त अनुशासनात्मक उपाय करने पड़ सकते हैं। अपने सिस्टम को अच्छी तरह से हाइड्रेट करने के लिए, यानी कि अपने सेहत की मैं बात कर रहा हूँ, सेहत को अच्छा रखने के लिए आपको जो मसालेदार भोजन है, जो बाहर का खान पान है, इससे आपको बचना होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। आपके करीबी और प्रियजन अपनी गर्मजोशी से आपका समर्थन करेंगे। आप सभी के बीच भावनात्मक लगाव मजबूत होने की उम्मीद दिख रही है। आपकी अत्यधिक अधिकारिता की आदतें आपके पार्टनर को, आपके प्रियजन को, उनको तंग कर सकती है, इसलिए आपको अपने प्रेम के मोर्चे पर अपने आचरण के बारे में सावधान जरूर रहना चाहिए। अपने जीवन साथी को स्वतंत्रता महसूस करने के लिए, ताकि वो खुद को स्वतंत्र महसूस करे, इसके लिए आपको उनको समय देना चाहिए और स्थान जगह देनी चाहिए।
काम पर समय आपको बैठकों, प्रस्तुति और सौदों आदि में व्यस्त रख सकता है। जी हाँ बिल्कुल, काम के मोर्चे पर इस सप्ताह आप थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना होगा। लेकिन आप जब भी काम को कर रहे हो, कोई निर्णय ले रहे हो या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, तो आप कोशिश करें कि आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करें, अपनी सर्वश्रेष्ठता दें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, इससे आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। इस सप्ताह सेहत मुझे थोड़ी सी धीमी दिख रही थी, इसलिए आप खान पान का ध्यान रखें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। नमस्कार।